नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है सीसीएफ दो हज़ार उन्नीस के जीएस पेपर वन आंसर की हम लोग कल कर चुके हैं जीएस पेपर टू आपने बोला था कि यहाँ पर आना चाहिए जीएस पेपर टू आ चुका है इसमें पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे आपको बता दिया जाए कि एसीएफ के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से इसमें करीब पचास सवाल जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के होते हैं रीजनिंग के होते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन से होते हैं तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं जो लोग यूपीपीसीएस अपर के लिए आर के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं और पचास सवाल जो ए वाले उनको भी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के बाद वाले हिस्से में सबसे पहले महत्वपूर्ण आप चीज आपको चीज बता दें जैसे जीएस पेपर वन में आपने एक चीज महसूस की होगी कि उसमें हिस्ट्री यूपी जी के इन्वायरमेंट स्टैटिक करंट अफेयर स्टैटिक और जोग्रफी वाली चीजें पूछी गई थी जीएस टू में क्या होता है इसमें साइंस पूछी जाती है इसमें स्टैटिक साइंस साइंस करंट अफेयर इकोनॉमिक करंट अफेयर बजट वगैरह इसमें पूछा जाता है और मिक्स सिलेबस रहता है ठीक है इस हिसाब से है लेकिन जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू आर के लिए जो लोग देख रहे हैं उनको क्वेश्चन देखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सारे जीएस के एक जैसे कॉमन होते हैं और ये कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली रिपीट भी हो सकते हैं तो बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं स्टैट्स वाले सवाल बीच बीच में मैं छोड़ता जाऊंगा जिनको बाद में हमारे दूसरे वाले टीचर सॉल्व करेंगे सबसे पहला यहां पर है कि किनवन की प्रक्रिया किसकी अनुपस्थिति में की जाती है तो इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं ठीक है ऑक्सीजन के बिना करते हैं ठीक है किनवन की प्रक्रिया से जो एल्कोहल वगैरह बनाए जाते हैं इस इसमें पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2019 तक कितनी भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां काम कर रही हैं अगर कोई कमेंट में उनके नाम लिख करके बता दे तो बड़ा अच्छा होगा और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां को अप्रूव कौन करता है क्या सेबी करती है ये भी आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर छः है वैसे अभी शायद सात हो गई हैं हैं इस समय के दिसंबर दो के के से तो उसके बाद है क्लॉक वाइज रिवॉल्व करेगा तो आप जानते हैं खाली वीनस और यूरनस ऐसे होते हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं घड़ी की तरह बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हमारा तो आंसर इसमें सी होगा अच्छा इसमें भारतीय जनगणना के अनुसार इसमें बताना है कि 20 से उनसठ के करीब जो है कुल जनसंख्या कितनी थी बीस से उनसठ आई वर्ग के लोगों की जनसंख्या कुल कितनी थी इसमें अंदाजे सही करना था क्योंकि लगभग आपको बहुत मुश्किल ये मिलेगा वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो साठ परसेंट के करीब दिखाई गई थी साठ दशमलव कुछ परसेंट तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते थे कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी होती है वर्किंग पॉपुलेशन की एज उनसठ से लेकर कितनी होती है पंद्रह से उनसठ होती है तो उसी के बीच आप लगभग लगभग अंदाजा लगा सकते थे कि पचास से तो ऊपरी होगा ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा सिर्फ आपके दिमाग का मैजिक चलेगा ये बाकी सारे ये आपके आ, रीजनिंग वा, मैथ्स वाले हैं अभी इनको बताया जाएगा वीडियो के आखिरी हिस्से में अब ये है बुक बेस्ड क्वेश्चन इसमें बुक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको थॉरो रीडिंग होनी चाहिए या फिर आपने वीडियोस वगैरह कहीं से समझा हो इसमें जो है लोकसभा जब भंग होती है तो बिल के बारे में है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में बिल का क्या होगा तो इसमें है कि बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बिन पास बाई लोकसभा लैप्स हो जाएगा सही है उसके बाद है कि अब बिल कोई पेंडिंग है लोकसभा में और लोकसभा जो है भंग हो गई तो बिल भी लैप्स हो जाएगा बिल्कुल सही है उसके बाद है कि अब बिल पास बाई बोथ हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लैप्स हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर दोनों जगह से पारित होकर चुका है उस बीच जो है लोकसभा लैब्स मतलब ये खत्म हो गई भंग हो गई तो भी वो लैब्स बिल नहीं होगा जब नई लोकसभा बनेगी तो राष्ट्रपति जो है उसको मंजूर कर सकते हैं या फिर रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं ये प्योर बुक बेस्ड क्वेश्चन है इसमें बुक की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए आंसर हो जाएगा डी इसमें ये ओजाई वाले सवाल ये सब बताए जाएंगे बाद में जीएस वाले सवाल पर हम आ जाते हैं इसमें है कि स्टेटोसफेर में ओजोन जो है ये प्रोड्यूस होती है यूवी रेडिएशन के मतलब ये यूवी रेडिएशन जब डाई ऑक्सीजन पर लगता है डाई ऑक्सीजन का क्या मतलब है? यहाँ पर ओ की बात कर रहे हैं इसमें यू लगता है तो ये इस तरीके से आ, जो रिएक्शन आपकी एनसीआर में दी हुई है इस तरीके से ओ थ्री इस तरीके से बनती है यू ये आपने पढ़ा होगा ये एनसीआर टी बेस्ड क्वेश्चन है तो ए सही है उसके बाद लिखा है कि यू रेडिएशन जो स्प्लिट कर देता है एक मोलिकुलर ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन में जो कंबाइन हो जाती है मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ तो ओजोन बना देती है अभी आपको इससे समझ में आएगा अभी मैं क्या कह रहा था कि ये बाईक् ये डायऑक्सीजन है यूवी रेड ने इस पर काम किया और ये फ्री मॉलिक्यूल में टूट गए अब ये एक फ्री मॉलिक्यूल ओ के साथ मिलकर के यहाँ पर ओजोन बना देता है यही यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिना कोई जो है दिक्कत के क्योंकि इसमें पहले में कथन है और दूसरे में उसका पूरा कारण यानी कि पूरी व्याख्या की जा रही है स्पष्टीकरण दिया जा रहा है तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए उसके बाद है कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार युवा वर्ग किसको माना है तो युवा 15 से उन्तीस साल के लोगों को माना है नेशनल यूथ पॉलिसी के अनुसार बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने भारत में जो इंडियन प्लांट पीसी की रेड डेटा बुक जारी की थी वैसे तो आयु करता है लेकिन यहां पर इंडियन की पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता होगा ऑप्शन नंबर बी यूपीपीसी दो हजार का आया हुआ क्वेश्चन है जीएसएलवी मार्क थ्री एम वन ये पूरा नाम था जिस व्हीकल पे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था ये कौन सी नोबल गैस नहीं है रेडॉन नहीं है रेडॉन का एक जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है कि जब अर्थकोएक आने वाला होता है तो रेडॉन रिलीज होती है ये याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है आगे उसके बाद है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में कौन सा कथन आ सकते हैं तो आसानी से आप बता सकते हैं कि संसद द्वारा स्थापित नहीं किया गया है ठीक है नॉट सेटअप बाई पार्लियामेंट है और ये भी बिहार पीसीएस ने भी इसके बारे में पूछा था इनमें से कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है आपसे पूछा है ये वैसा है जैसे कभी कभी हम अपडेट सीरीज में बनाते हैं कि इसमें तीनों ही होते हैं नहीं है हीमोफेलिया ये भी जेनेटिक लिंक डिसीज है सिकल सेल ये बिल्कुल जो है जेनेटिक डिसीज में आएगी थैलीसीमिया भी आएगी तीनों ही है जेनेटिक लिंक डिसीज तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि तीनों ही है ऊपर उसके बाद है कि स्टेट लिस्ट में क्या नहीं शामिल होगा स्टेट लिस्ट में जो है कानून व्यवस्था है कारागार है पुलिस है लेकिन स्टेट लिस्ट में आपका ये दंड संहिता नहीं है ठीक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये जो है ये नहीं है उसके बाद ये अजाईव वाला है उसके बाद हम इसमें देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हाँ ये बजट वाला है बजट 2021 से पूछा है क्योंकि पेपर हुआ था 2020 अक्टूबर में अब आप 2021 के हिसाब से 2021-22 का जो बजट आया है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको करके बताइए जो इसका सही आंसर करेगा इस कोड कोड को भूल जाइए अब आप बताइए कि अब इसके हिसाब से जो है सही यहाँ पर क्रम क्या बनेगा ठीक है सरकारी व्यय में निम्नलिखित मदों पर विचार करिए और इनको आरोही क्रम में लगाइए ठीक है यानी सबसे कम बजट जिसको मिला है उसको पहले रखेंगे फिर सबसे उसके बाद में ज्यादा उसके बाद में ज्यादा चार आपको अरेंज करना है जल्दी से कमेंट करके बताइए जो सही बताएगा उसका कमेंट कर दिया जाएगा पिंड कमेंट के रूप में उसके बाद यहां पर कौन सा ठीक सुमिलित नहीं सारे क्वेश्चन लिस्टिंग लिष्ट, से अपने आप निपटाए जा सकते थे विटामिन डी से जो है ये जो है वर्णानता एसोसिएटेड नहीं है आ, कलर ब्लाइंडनेस तो वैसे भी आपकी जेनेटिक लिंक डिसीज है विटामिन डी से जो डिसीज होती है उसको रिकेट्स बोलते हैं पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं पंचायती राज दिवस हम लोग बनाते हैं चौबीस अप्रैल को ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा है जी सी मुर्मू ये है और जी सी मुर्मू इस समय कौन है जी सी मुर्मू इस समय हमारे जी जी सी मुर्मू इस समय हमारे सी ए जी भी हैं ये चौदहवें सी ए जी हैं फोर्टीथ इनका नंबर याद रखिएगा ये सी जी पी सी एस पूछ चुका है इस साल तो ये जो है पहले आपके कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे लद्दाख के और ये बन गए हैं अब हमारे फोर्टीथ सी ए जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया युविका प्रोग्राम किसका है इसमें कई सारी स्कीम्स पूछी गई हैं स्कीम्स की लिस्टिंग ध्यान रखना बहुत जरूरी है और खासकर उनकी डेट्स और क्रोनोलॉजी अभी आपको पता चलेगा कि इसरो का कार्यक्रम है ये तो खैर न्यूज में था जो पेपर हुआ था उसके बाद है कि किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम देखने को मिलेगी आपको बताना है इसमें महिला साक्षरता दर सेंस दो के हिसाब से इन स्टेट्स में सबसे कम देखने को मिलेगी वैसे तो सेंसेस दो हजार ग्यारह के हिसाब से बिहार है लेकिन जो है इसमें पूछा इन गिवन ऑप्शंस में तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान जो है किसके किस में है ऑब्वियसली ये तो आपको पता होना ही चाहिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन टू थ्री यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर का है वेतन का नहीं लिखा है उसके बाद एक पेड़ में जो है हमेशा होगा पेड़ में जड़ जरूर होगी ठीक है हमेशा ही जड़ जरूर होगी पेड़ में ऑप्शन नंबर ए उसके बाद सर्विस सेक्टर जो है इकनॉमी में उसमें क्या नहीं आएगा सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगी ठीक है क्योंकि ये तो फिर प्राइमरी में आ जाएगी प्राइमरी एक्टिविटी में उसके बाद ये आर्टिकल इक्कीस ए है कंपलसरी किसके लिए प्रावधान करता है सिंपल बहुत सिंपल है ये तो आपने कर ही लिया होगा छः से चौदह वर्ष की आयु के लिए उसके बाद है कि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये इम्फेसिस किस फाइव ईयर प्लान का है तो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान के लिए है बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ उसके बाद उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय विकास परिषद का सदस्य है आप सिंपली इसमें जो है उत्तर ही लगा सकते थे जिनको नॉलेज नहीं है लेकिन सेंट्रल में आता है ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी ये रिपीटेड क्वेश्चन है गोल्डन राइस में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी उसके बाद है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये तो रटे होने चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कम से कम बायोडावर्सिटी वाले क्लब ऑफ रोम वाले लिमिट टू ग्रोथ कॉन्सट कब का आया था उन्नीस में ही यह सब चीजें याद होनी चाहिए ब्रटलैंड कमीशन रियो समिट कानकुन वाला वारसा वाला ये आपको जो जोग्राफी लिस्टिंग हमने करवाई है उसमें दिया हुआ है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कम से कम एक बार देख लिया करिए एग्जाम में जाने से पहले उसके बाद है कि बायोडावर्सिटी के रिडक्शन का कौन सा कारण जो है आ, हो सकता है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा और संसाधनों का अत्याधिक दोहन भी होगा तो इस वजह से डी हो जाएंगे यानी कि आ, आपका एंड बी बोथ उसके बाद है टाइफाइड जो है किससे होता है टाइफाइड जो होता है वो होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉस से तो माइको बैक्टीरियम क्या है एक बैक्टीरियम है यानी कि बैक्टीरिया है तो आंसर हो जाएगा सी उसके बाद ये लॉजिकल क्वेश्चन है इसको मैंने भी बता दिया है वैसे अभी सर बता देंगे उसके बाद कौन सा जो है सही नहीं मिलाया हुआ है तो न्यूट्रॉन जो है ये चैडविक ने अच्छा मतलब ये सही मिला है न्यूट्रॉन जो है चैडविक ने खोजा था इलेक्ट्रॉन जो है गोल्डस्टीन का नहीं होगा उसके बाद प्रोटॉन जे जे थॉमसन का नहीं होगा आ, अल्फा पार्टिकल रॉन्जन का नहीं होगा रॉन्जन का जो क्या होगा एक्सरेज ये सब हम करवा चुके हैं ये भी आ जाता है कभी कभी उसके बाद ये कंपनी के बारग्राफ वगैरह भी बताए जाएंगे उसके बाद आप देख लीजिए नाको किससे संबंधित है नैको एड्स से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन नंबर सी उसके बाद आपको शेड्यूल से मिलाना है और इसमें थोड़ा सा भी मेहनत कर ली तो काम हो गया आठवीं शेड्यूल में लैंग्वेजेस है यानी कि आपका डी किससे मैच हो रहा है थ्री से थ्री डी से क्या कोई मैच हो रहा है नहीं हो रहे हैं तो इसमें ये एक पकड़ा और काम हो गया आपका तो इसमें लोग सोचते हैं कि आपको सोलह के सोलह शेड्यूल रन करने पड़ते हैं आपको देखना पड़ता है देखेंगे नहीं तो नहीं काम बनेगा उसके बाद ये कमेटी वाला तो आना ही आना था यह बी e. पेपर में भी आया बीपीएससी री एग्जाम में भी आया सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी आपको पता होना चाहिए था तो आप सारे इसमें कर लेते बलवंत राय मेहता के बाद आई थी आपकी अशोक मेहता कमेटी फिर आई थी सांघवी कमेटी फिर आई थी अंत में थुंगन कमेटी इनके ईयर से मैचिंग भी आ सकती है तो इनके ईयर आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं हमको कॉमेंट में इनके ईयर कोई लिख सकता है जिसको याद हो पूरे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी अब यह क्वेश्चन जो है हो जाएगा डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले ये योजना पायलट तौर पर आई थी पायलट तौर पर 2017 में इसको रांची में और रायपुर में टेस्ट किया गया दो सत्रह में उसके बाद जो है पीएम मोदी एक सप्टेंबर दो हजार अठारह को और इसको पर पूरे देश में लॉन्च किया तो क्या मानेंगे हम मेरे हिसाब से इसको 2018 ही मानना चाहिए ठीक है क्योंकि मेन स्थापना उसी से मानी जाएगी उसके बाद पिकोमीटर में कितने जो होते हैं ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी यूनिट तो टू पावर माइनस होते हैं उसके बाद आपको बताना है कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाएगा तो प्रोटीन में सभी पाए जाएंगे ठीक है प्रोटीन की चेन किससे बनती है अमीनो एसिड से अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ रह गया था तीन से सात जनवरी को ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुई थी 2020 वाली ये जो है बेंगलुरु में हुई थी और 2021 वाली ध्यान रखिएगा ये जो है पुणे में हुई थी 2021 वाली कहाँ पे हुई थी पुणे में तो अमीनो एसिड की चेन बनाने के लिए कार्बन भी जरूरी है हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसके बाद है कि लैंड रेवेन्यू जो है किस कैटेगरी में आता है लैंड रेवेन्यू वो टैक्स है जो स्टेट एक्सक्लूसिव उसके ऊपर पूरा हिस्सा होता है ऑप्शन नंबर बी कार्बन टैक्स दो में किसने लगा दिया था आपको बताना है कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी सिंगापुर ने ऑप्शन नंबर ए एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध सिलेक्ट हुए थे मतलब इलेक्ट हुए थे वो है नीलम संजीव रेड्डी ये याद रखिएगा हमेशा के लिए फैक्ट ऑप्शन नंबर डी उसके बाद हमसे पूछा ये रेपो रेट वाला तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे रेपो रेट के बारे में ऑप्शन नंबर सी रेपो रेट का इस्तेमाल इसमें पहला वाला तो सही है ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह होगा लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि लगातार पांचवी मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखेंगे जो है सेम रखी जा रही है रेपो रेट वगैरह तो इसका आंसर ओनली वन हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन सेकंड वाला नॉट करेक्ट में आ जाएगा तो उसके बाद है मॉनिटरी अथॉरिटी जो है किसके पास है मौद्रिक प्राधिकरण ऑब्वियसली यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है ऑप्शन नंबर बी ये क्रांतियों से मिलाना है ये पूरी लिस्टिंग हम दे चुके हैं नीली क्रांति पीली क्रांति हरी क्रांति तो आपको बहुत आसानी से इसमें कर लेना था नीली क्रांति मत्स्य पालन संबंधित होगी तो इसमें ए का फोर हो जाएगा तो ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए उसके बाद कोई एक और देखना है आपको काली क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड है तो यहाँ पर हो जाएगा बी का वन तो ए का फोर और बी का वन आपको ढूंढना है जो कि आंसर नंबर सी मेल खा जाएगा और हमारा सही हो जाएगा उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ये टेंडेंसी है उससे मिलाना है तो हैं तो सारी सोशलिज्म पर आधारित लेकिन इसमें बहुत डीप से इनकी आइडियोलॉजी पूछी है अब इनकी आइडियोलॉजी इनकी वेबसाइट पर भी नहीं लिखी है तो कैसे डिसाइड होगा पता नहीं है फिलहाल इसका आंसर ऊपरी तौर पर जो है डी लग रहा है बाकी आप क्या जानते हैं इसके बारे में आप बताइए कॉमेंट करके ये आसान था ये आसानी से हम इसको कर सकते थे करते आ रहे हैं बेसिकली हम लोग नींबू में साइट्रिक एसिड ठीक है दूध में लैक्टिक एसिड तो सी का वन और बी का टू सी का वन बी का टू कहाँ पर है सी का वन बी का टू यहाँ पर है बी में तो हमारा आंसर हो जाएगा बाकी अपने आप मैच हो जाएंगे भारत माला प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की है ऑप्शन नंबर सी अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि सागरमाला प्रोजेक्ट और भारत माला प्रोजेक्ट इन दोनों की लॉन्च डेट क्या है कमेंट करके बताइए ग्रीन मनीोर में, में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं ग्रीन मनियोर में, में हम जो है सनहम्प का प्रयोग कर सकते हैं ढांचा का भी प्रयोग कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा उसके बाद कुल ग्रामीण पूछा है कुल ग्रामीण जो है अड़सठ दशमलव आठ प्रतिशत है ये रिपीटेड भी है और बत्तीस दशमलव बचा हुआ जो है अर्बनाइज है दोनों ही याद रखिएगा भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दो हजार के हिसाब से इनमें से कौन सी एक है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर अब इसमें पार्ट में पहचानना है बहुत आसान सी चीज़ है यहाँ पर पहले पार्ट में संघ और राज्य क्षेत्र उसके बाद मौलिक अधिकार जो है किसमें है पार्ट फोर में है नागरिकता किसमें है आसानी से हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फोर वन टू थ्री आराम से मैच हो जाएगा उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इसमें स्कीम्स का पूछा है स्कीम्स का ईयर स्कीम्स में क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी थी बहुत आसानी से हो जाएगा आयुष्मान भारत सबसे ले, लेटेस्ट है तो इसका डी का टू होगा तो जहां पर जहां पर डी का टू नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे यहां डी का टू नहीं है यहां नहीं है यहां नहीं है तो बस हमको आयुष्मान भारत खाली पता होना चाहिए था बाकी किसी की डेट पता हो या ना पता हो काम हो चुका है हमारा इतना तो पता है ना आयुष्मान भारत दो में आया मान लो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन वाला कब आया तो स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन वाला दो में आया था जिसके हमने जो है पाँच साल पूरे कर लिए हैं तो ये है यहाँ पर ग्रामीण सड़क योजना सबसे पुरानी है 2000 में आई थी कौशल विकास वाला 2015 में आया था इस वजह से हमारा आंसर इसमें डी होगा तो इसमें जो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में दिया हुआ है 360 में दिया हुआ आज तक लागू नहीं हुई है ऑप्शन नंबर डी एक व्यक्ति जो केवल दूध ब्रेड खाता है तो इसमें वह किसका शिकार हो सकता है तो दूध से उसको जो है विटामिन डी तो भरपूर मिल रहा है लेकिन विटामिन सी नहीं मिल रहा है तो उसको स्कर्वी हो जाएगी अगर वो कुछ विटामिन सी का नहीं खाएगा तो ठीक है ऑप्शन नंबर बी अच्छा इसका पूछने का एक लॉजिक ये भी था कि दूध जो है बाकी सबको तो अच्छा तरीके से पूरी कर सकता है अंडे से आपको विटामिन ए मिल जाएगा दूध से आपको विटामिन डी मिल जाएगा लेकिन सी नहीं मिलेगा इससे ठीक है विटामिन सी का बहुत ख़राब स्रोत होता है दूध दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का बनाया गया था किस अमेंडमेंट से उनहत्तरवे से ऑप्शन नंबर सी अब इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है तो ये तो आराम से आपको पता होगा अच्छा इसमें अमेंडमेंट की डेट क्या है क्या डेट है अमेंडमेंट की मार्च तो है लेकिन क्या ये 26 मार्च है 27 मार्च है जो गजट में जो डेट लिखी है वो हमको कमेंट करके बताइए मैं कन्फ्यूज हूँ छब्बीस है कि सत्ताईस है एक बार बताइए आप कमेंट करके जो इसमें अमेंडमेंट एक्ट अभी आया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नमेंट से ज्यादा पार दी गई है अब इसमें रेडियो एक्टिविटी की यूनिट कौन सी नहीं होती है इसमें अगर आपको ना भी पता होता तो जो जो इससे रिलेटेड हैं उन वो हो सकते हैं यूनिट ठीक है बैकुरल हो सकती हैं उनकी मैडम क्यूरी हो सकती हैं लेकिन आइंस्टीन का यहां पर रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है इनका लेना देना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा यह, 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 मतलब आइंस्टीन के नाम पर रेडियो सक्रियता की यूनिट नहीं है उसके बाद एक्सटर्नल एग्रेसिंग से प्रोटेक्ट करना दिया है अनुच्छेद तीन में ऑप्शन नंबर बी उसके बाद ये कुछ संस्थाएं हैं उनके ईयर आपको बताना है नाबार्ड का तो आपको रटा होना चाहिए उन्नीस तो नाबार्ड हमने मिला दिया इधर यानी कि आपका सी का फोर हो जाएगा तो सी का फोर दो में दिया हुआ है दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे बस एक और आपको पता होता कि एस बी आई कब स्टेब्लिश हुआ 1955 उन्नीस सौ में तो ये ए का टू हो जाएगा तो ए का टू और ये वाला मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा बी मुद्रा का उद्देश्य क्या है मुद्रा का उद्देश्य यहाँ पर ध्यान से पढ़ना था कुछ लोगों ने अंधी मार्ग के यहाँ पर सूक्ष्म वित्त संस्थाएं पढ़ा और पूरा पढ़ा भी नहीं कि क्या है इसमें लिखा है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देने वाले ऋण मतलब ऋण देने का जो व्यवसाय करते हैं क्या उनके लिए नहीं माइक्रो फाइनेंस उनको दिया जाता है जो नॉन फार्म नॉन कॉर्पोरेट एमएसएमई में लगे हुए हैं उनको ऋण दिया जाता है आप वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा मुद्रा का सही आंसर यहां पर बी होगा इसको बताना जीएसटी से किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है बहुत रिपीटेड हुआ पुराना क्वेश्चन एक सौ एक ऑप्शन नंबर डी उसके बाद एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है और इसमें बताया कि एग्जैक्टनेस और निश्चितता और विस्तार जुडिशियल रिव्यू से मिलता है जुडिशियल रिव्यू ने कई बार जो है प्रावधानों परिभाषाओं की व्याख्या की है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन सिंपली अब सिंपली तो नहीं मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आयोग ने मान लीजिए इसमें फर्स्ट वाले को गलत मान लिया तो क्योंकि हर बार एग्जैक्टनेस नहीं पता चल पाई है कई बार जो है चीज़ें जो है नहीं एग्जैक्ट पता चल पाई है निश्चितता के साथ अनिश्चितताओं को भी जन्म दिया है जुडिशियल रिव्यू ने यह बात तो सच है उसके बाद है कि नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी तो कौन थे तो फखरुद्दीन अली अहमद थे ऑप्शन नंबर सी उसके बाद केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल को मतलब जो कन्वर्ट करेगी वो क्या होगी बैटरी उसके बाद द फैक्टर मतलब ये जी में और जी में डिफरेंस जो आ जाता है वो क्या है विदेशों से प्राप्त संसाधन आए ऑप्शन नंबर ए उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसके बाद है कि भारतीय संघ के विषय में कौन सा सत्य नहीं है तो राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है ये बात जो है सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर असत्य है उसके बाद ये करंट अफेयर का पूछ रहे हैं कि जो है हरित राष्ट्रमार्ग जो है जून 2020 में किन किन राज्यों के लिए अनाउंस किए गए थे तो मध्य प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश राजस्थान आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश इसमें अनाउंस करे गए थे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वन थ्री फोर फाइव ठीक है ऑप्शन नंबर ए अब इसमें मिलाना है संस्थाओं को उनके आर्टिकल से निर्वाचन आयोग अगर आपको पता है तीन तो बी का हो जाएगा फोर बी का फोर किसमें मिल रहा है आपको बी का फोर बी का फोर बी का फोर मिल रहा है डी में बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं इसको आकर के आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है बाकी वित्त आयोग आपको पता है दो में है और उच्च न्यायालय भी पता है आपको चौबीस में ये सब मैच हो जाता है आसानी से इतना कोई कठिन नहीं है उसके बाद ये वाला जो है ये तो आना ही आना था जल जीवन मिशन पंद्रह अगस्त दो को लॉन्च किया सही है और केंद्र का कार्यक्रम है ये भी सही है और इस योजना में सबको टोंटी वाला जल मिलेगा 2024 तक देना है सबको टोटी वाला जल कुछ राज्य दे भी चुके हैं जैसे कि गोवा जैसे कि पुडुचेरी लेकिन ये जो है मनरेगा का पार्ट नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वन टू एंड थ्री ओनली ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट बैंकिंग रोबोट ऑफ इंडिया जो है कुंभकोणम में लक्ष्मी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया था इसको ऑप्शन नंबर डी उसके बाद है कि जो आर्थिक मामलों की कमेटी होती है उसका जो है प्रमुख कौन होता है तो पीएमजी करते हैं ऑप्शन नंबर सी ये कई बार आप सुनते रहते हैं कि आर्थिक मामलों की कमेटी ने ये नियुक्ति की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में तो ये है उसके बाद है हाँ ये गरीब गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो लॉकडाउन के समय लॉन्च हुई थी इससे तो आना ही आना था क्वेश्चन और डीप में पूछा है इसकी लॉन्च डेट सही दी हुई है ठीक है और छह राज्यों के एक सौ सोलह जिलों में एक्चुअली लॉन्च किया गया है तो ये वाली रॉन्ग हो गई उसके बाद है कि केवल प्रवासी मजदूर शामिल करेंगे ऐसा नहीं ग्रामीणों को भी सपोर्ट देंगे अभियान एक सौ पच्चीस दिन तक चलना था तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वन एंड फोर ओनली ऑप्शन नंबर सी तो कभी कभी जो है बहुत डीप डाउन डिटेल्स भी आपको पढ़नी पड़ती है लेकिन मेजर स्कीम्स में कॉन्स्टेंट पी जो है सी का ये कहीं ऑथेंटिक मुझे बिल नहीं रहा है अगर बरनवाल में कहीं लिखा हुआ तो आप उनको बता दीजिएगा उसके बाद नरसिम्हन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी उन्नीस में करी थी ऑप्शन नंबर ए उसके बाद है कि प्रियम्बल में जो है कितनी तरह की फ्रीडम का वर्णन हुआ है प्रियम्बल में पांच तरह की फ्रीडम लिखी है ऑप्शन नंबर सी उसके बाद इनमें से किस एक्ट ने जो है इंडियन गवर्नमेंट को यूनिटरी से फेडरल की तरफ ले जाने का काम शुरू किया था तो 1935 ने ऑप्शन नंबर बी उसके बाद है कि नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो है कब आई थी आई थी अक्टूबर 1999 में ऑप्शन नंबर ए उसके बाद है कि जो इंटीग्रिटी शब्द है वो किससे डाला गया था इंटीग्रिटी शब्द डाला गया था बयालीसवें संविधान संशोधन से उसके बाद इंडिया में जो है एक चीफ जस्टिस और कितने जजेस हैं ये अब तैतीस पहुंच चुके हैं आधा हिंदू का आर्टिकल आप पढ़िएगा वही सही माना जाएगा तैतीस प्लस वन चौंतीस स्ट्रेंथ पहुंच गई थी हाईएस्ट यह है यहाँ पर दो हजार उन्नीस में उसके बाद है कि एक सौ मतलब एक सौ चौथा संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है आर्टिकल नंबर तीन सौ चौंतीस से ऑप्शन नंबर ए उसके बाद अपर हाउस जो पार्लियामेंट का है राज्यसभा में उसकी पहली बैठक कब हुई थी तेरह मई उन्नीस सौ बावन को ऑप्शन नंबर सी न्यूज में हमने करंट अफेयर में कवर किया था हालांकि अब उतना रिलेवेंट नहीं है निप्पन, इंडिया म्यूचुअल फंड अब किसका नाम रख दिया गया था रिलायंस म्यूचुअल फंड का तो ये सब भी देखिए पूछा जाता रहता है आप इग्नोर मत किया करिए नॉलेज पर कहां पर ग्रेटर नोएडा में है ऑप्शन नंबर डी ये मुझे कहीं मिला नहीं है एक, एक्जैक्टली लेकिन सीआर दास ही होना चाहिए लेनिन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं सीआर दास को ऑप्शन नंबर ए उसके बाद हमको बताना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय नाम कब कर दिया गया था प्रधानमंत्री सचिवालय का मोरारजी देसाई के समय उन्नीस में उसके बाद आ, एक्टिंग जैसे कहाँ पर अपॉइंट किए जा सकते हैं मेरे ख्याल से दोनों में डी यहाँ पर सही होगा उसके बाद 2019 में जो मर्जर हुआ है इलाहाबाद बैंक का किसके साथ हुआ है? इंडियन बैंक के साथ हुआ है ऑप्शन नंबर डी ये एक बढ़िया क्वेश्चन है पिछले साल जो दो क्वेश्चन पूछे हैं उसी को मिला दिया है कुनाइन पूछा था यूपीपी से दो हजार बीस में आ, आरो प्रलियम्स में पूछा था पिछले साल की हींग किससे मिलती है जड़ से बस यही दोनों आपको पता होना चाहिए था काम पैंतीस आपको नक्स वोमी का पता होना जरूरी नहीं था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच हो जाएगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं आईसएफआर दो हज़ार उन्नीस से बहुत दिन बाद एक प्रश्न देखने को मिलता हुआ इसमें पूछ रहे हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कहां पर है ये मिजोरम में है अगर वैसे कुल भौगोलिक पूछे सर्वाधिक कहां पर है मध्य प्रदेश में है तो यहां पर हमारा आंसर डी होगा सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक सऊदी अरब है भारत को सबसे ज़्यादा इस समय कौन सप्लाई कर रहा है ये एक महत्वपूर्ण सवाल है तो उसका आंसर इराक होगा फिर यूएस होगा और फिर सऊदी होगा ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ये राष्ट्रीय ये उद्यान वाला मिलाने को आया है काफ़ी आसानी से हो जाएगा सुंदरबन जहाँ सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में तो ए का थ्री से मिलाएंगे हम ए का थ्री ए का थ्री दो ऑप्शन है तो यानी कि ये वाले कट हो जाएंगे अब हमको दूसरा वाला और देख लेना है काजीरंगा कहाँ है काजीरंगा रटा हुआ है आपको असम में तो ए का फोर हो जाएगा और ए का फोर हो जाए सॉरी ए का थ्री हो जाएगा और बी का फोर हो जाएगा तो ए का थ्री बी का फोर आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है बी में ये हमारा आंसर बन गया ठीक है तो उसके बाद रीजनिंग वाले सवाल आप देख लीजिए यहाँ पर और औजाइव वाले और बाकी स्टैट्स वाले सॉल्व करेंगे तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन को स्टैटिस्टिक्स मैथ्स और रीजनिंग को ये जो पेपर है ये यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ 2019 का है जो कि इसी साल 2021 में कंडक्ट हुआ है जीएस2 ये सब्जेक्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा ही क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशन का मीन है 10 स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 मीन 10 है स्टैंडर्ड डेविएशन हर एक ऑब्जर्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई किया गया आपको पता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर तीन से मल्टीप्लाई किया गया है तो मीन भी तीन से मल्टीप्लाई होगा मीन हो जाएगा तीस स्टैंडर्ड डेविएशन भी तीन से मल्टीप्लाई होगा ये भी हो जाएगा पांचतियां पंद्रह हमें निकालना है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन नए ऑब्जर्वेशन के लिए तो कोफिशंट ऑफ वेरिएशन ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इन हंड्रेड तो इन हंड्रेड से फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन नए केस में हमारे पास है पंद्रह मीन है तीस ये हो गया एक बटे दो तो पुराने से कंपेयर करना है पुराना मीन कितना है पुराना मीन है दस जो कि नीचे रखेंगे पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर आधा पहले भी आधा अभी भी तो इट इज़ इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑरिजिनल ऑब्जर्वेशन जितना पुराना है उतना नया है आंसर हो जाएगा सी इसके बाद क्वेश्चन नंबर छः है जो कि रीजनिंग से है असरसन रीजन का सवाल है असरसन है नथिंग इज परमानेंट इन दी वर्ल्ड संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है रीजन है ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों के पास डेफिनेट लाइफ स्पैन है यानी एक डेफिनेट साल होते हैं मान लीजिए अस्सी जिस तक कोई भी बंदा जीवित रहता है तो अस तो वैसे तो दोनों बातें सही हैं कुछ भी वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है और ह्यूमन बींग्स का भी जैसा कि आप जानते हैं डेफिनेट लाइफ स्पैन है लेकिन अगर आपसे कोई पूछे नथिंग इज परमानेंट इन वर्ल्ड वाई ऐसा क्यों तो आप ये आंसर थोड़ी ना देंगे कि ह्यूमन्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन ये इसका आंसर नहीं हुआ लेकिन हालांकि दोनों बातें हैं सही बोथ ए एंड आर आर ट्रू बी इसके बाद हमारे सामने है आठ नंबर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पचास फैमिलीज का बताना है मीडियन उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ती है तो उसके लिए सारी प्रीवियस फ्रीकवेंसी जोड़ते हैं सात से पहले कुछ है नहीं तो सात आठ सात पंद्रह बीस आठ अट्ठाईस सात पैंतीस पैंतीस दस पैंतालीस पैंतालीस पांच पचास ऐसे करके हो जाएगा अब इसमें से बीच की वैल्यू कौन सी है पैंतीस ना पैंतीस के करिस्पॉन्डिंग इनकम क्या है पंद्रह हजार तो बस वही हमारा मीडियन हो गया अभी अगला सवाल है रीजनिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग से मार्स का कोड ये है तो आर्म्स का कोड क्या होगा तो मार्स में जो लेटर यूज हुए हैं वही लेटर आर्म्स में यूज हुए हैं तो एम का जेड है तो ए का क्या होगा इधर ए का एन है तो इधर भी एन होगा इसके बाद आर आर का कोड इधर ई e है तो इधर भी ई e होगा इसके बाद एम एम का कोड 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 इधर Z है, इधर भी Z S का F, तो इधर जेड 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 है भी भी होगा एस एस का का एफ 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 तो एन ई बी इसके बाद दस नंबर है ऑर्डर से ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये जो शब्द है पॉवर्टी डेथ डिजीज पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहले कहीं पर पॉपुलेशन रही होगी और वो पॉपुलेशन एम्प्लॉयड होगी अनएम्प्लॉयड मतलब इसके बाद काम नहीं होगा तो गरीब हो जाएंगे गरीब नहीं होगा तो बीमार हो जाएंगे फिर इलाज के पैसे नहीं होंगे तो मृत्यु आंसर हो जाएगा इसका सी इसके बाद सोलह नंबर है कैलेंडर रीजनिंग सेक्शन बीस सितंबर को थर्सडे पड़ा है उस मंथ में संडे बताने हैं तो बीस को अगर थर्सडे पड़ा है तो तेरह और छ को भी तो थर्सडे पड़ा होगा तो छः को थर्सडे पड़ा है पाँच को वेंसडे चार को ट्यूसडे तीन को मंडे है ना दो को संडे दो को संडे पड़ा तो दो नौ सोलह तेईस तीस और सितंबर में तीस ही दिन होते हैं तो कितने हमारे पास संडे हो गए तीन और दो पांच, सी नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद स्टैटिस्टिक्स इस का सवाल है लेकिन थ्योरेटिकल है द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस आइटम्स इन अ पाई डायग्राम पाई डायग्राम इस तरीके से बनता है ऐसे और ये पूरा एरिया मान लिया अब ये एरिया बड़ा है ये एरिया छोटा है कैसे हुआ ये एंगल बड़ा है ये छोटा है तो जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा एरिया और उतना ज़्यादा प्रपोर्शन तो प्रपोर्सन कुल मिला के किस पर डिपेंड कर रहा है एंगल पे बी इसके बाद इक्कीस नंबर स्टैटिस्टिक्स है ये जो डेटा है ये डेथ रेट बता रहा है दस हजार में से कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए यूपी में 2016 में पांच अलग अलग शहर हैं आपके पास लखनऊ प्रयागराज कानपुर आगरा वाराणसी और दस हजार में इतने 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 लोग मारे गए इस डेटा को अगर आपको शो करना हो अच्छी तरीके से तो कौन सा डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ कर सकते हैं बार डायग्राम क्योंकि यहां पर एक्स एक्सेस में सिर्फ शहर के नाम लिखने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा में आपको वाई एक्सेस देखना है कि दो है कि एक सौ ज़्यादा ऊपर एक थोड़ा नीचे आ जाएगा बी इसके बाद देखिए बाईस नंबर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ये किससे आपको नहीं पता चलेगी हिस्टोग्राम ग्राफ बनेगा ही बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनेगा ही ओजाइब में भी ग्राफ बनेगा स्कैटर डायग्राम में ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है डी अगला है रीजनिंग का हाइड्रोजन इज लाइटर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन हैवी है इसका मतलब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इज लाइटर देन हीलियम यानी कि जो हीलियम है वो भी आपकी नाइट्रोजन से भारी है तो नाइट्रोजन से भारी सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है लेकिन हीलियम नाइट्रोजन से भी ऊपर है तो नाइट्रोजन से भारी कुछ है लेकिन कुछ है जो नाइट्रोजन से भी भारी है तो ये जो कुछ है ये सबसे भारी होगा यानी कि हीलियम ये कंक्लूजन एकदम सही है इट इज ट्रू सी इसके बाद देखिए एवरेज का सवाल है आप इसे स्टैट्स में भी ले सकते हैं मैथ्स में भी काउंट कर सकते हैं द एवरेज हाइट ऑफ इंप्लाइज ऑफ अ कंपनी इज 165 सेंटीमीटर जितने भी इंप्लॉय एक सौ सेंटीमीटर हाइट है तो मान लीजिए एक्स इंप्लॉय एक की हाइट यानी कि एवरेज 165 है तो टोटल हाइट वन सिक्सटी फाइव एक्स पांच एम्प्लॉई जिनकी एवरेज हाइट 170 सेवनटी थी वो चले गए तो टोटल कितनी हाइट चली गई फाइव एट्टी फाइव साढ़े आठ सौ ये हाइट चली गई एंड देन एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉय पहले x थे पांच चले गए तो x माइनस फाइव बच गए एवरेज अभी इतना हो चुका है तो टोटल कितना होगा मतलब नंबर अभी इंप्लॉय कितने हो चुके एक्स माइनस फाइव और एवरेज कितना बचा वन सिक्सटी तो टोटल हो गया इतना और हमारे पास अभी टोटल कितना था पहले इतना था इतना बचा ये दोनों चीजें टोटल ही हैं बराबर हो जाएंगी सॉल्व करेंगे सोलह पंजे अस्सी फाइव एक्स इज इक्वल टू पचास एक्स बराबर हो गया दस कितने एम्प्लॉय थे हमने एक्स माना था जो कि दस हैं डी एक क्यूब है जिसको चारों तरफ से रेड कर दिया है आपने चौसठ छोटे छोटे क्यूब में इसको बराबर साइड में काट दिया है ये जो छोटे क्यूब हैं, चौसठ में से इसमें से कितने हैं जो एक साइड में पेंटेड हैं? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एन फैक्टर जो कि होता है रूट ओवर नंबर ऑफ कट क्यूब यानी जितने क्यूब आपको कट के मिल रहे हैं चौसठ क्यूब रूट ऑफ होता है यह है चार वन साइड पेंटेड का फॉर्मूला है सिक्स टाइम्स ऑफ एन माइनस टू का स्क्वायर छ चौके चौबीस डी उसके बाद इकतीस देखिए अगेन स्टैटिस्टिक्स का सवाल है आपके पास संख्याएं हैं तीन पाँच नौ सात ग्यारह और वगैरह वगैरह एक्स की वैल्यू बतानी है मीडियन आपको सात दे रखा है ये वैसे संख्याएं हैं कितनी ये गिनना जरूरी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस हैं तो आप ऐसा करें एक दो तीन चार ये एक दो तीन चार ये लेकिन डायरेक्टली नहीं सबसे पहले अरेंज करना होगा आपके पास दो है तीन है दो हो गया तीन हो गया पांच सात लेकिन उसके पहले छः भी है नौ दस ग्यारह बाईस मीडियम साथ मिल रहा है यानी कि ये जो एक्स है ये धीरी कहीं आएगा तो एक्स पक्का साथ होगा सी ऐसे बिना सॉल्व किए भी इसे किया जा सकता था इसके बाद छत्तीस नंबर बात करेंगे मिसिंग नंबर का सवाल है तो इसमें हम देखेंगे चार इक्टम चार दो तियाई छः जोड़ दिया चार छः दस सात दूनी चौदह चार चौक सोलह सोलह चौदह तीस छः अट्ठे अड़तालीस पाँच दूनी दस अड़तालीस दस अट्ठावन ए अब इस वाले में बताना है अगेन मीनिंगफुल ऑर्डर सबसे पहले इन्फेंसी आएगी नवजात जो बच्चे होते हैं फिर उसके बाद आएगा चाइल्डहुड आएगा फिर उसके बाद एडोलिसेंस फिर अडल्टड फिर उसके बाद ओल्ड एज वन फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकेंड सी इसके बाद अगला देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का छः लोग एक साथ बैठे हुए हैं किसी सर्कल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बी इज बिटवीन एफ एंड सी अभी कोई किसके बीच में नहीं हो सकता क्योंकि अभी किसी चीज को हमने फिक्स नहीं किया है एफ इज इमीजिएट राइट ऑफ डी अगर सबको ऐसे देख रहा हो अगर हम ये मान के चलें क्योंकि इसमें दिया नहीं है कौन कैसे देख रहा है तो डी अगर ये है तो इसका इमीजिएट राइट ये होगा एफ इधर है अब बी इज बिटवीन एफ एंड सी तो अगर मैं सी यहां रख दू तो एफ सी के बीच में बी हो जाएगा इसके बाद ए इज बिटवीन ई e एंड डी अगर ई e यहाँ रख दूँ तो ई e और डी के बीच में ये ए हो गया ठीक डी के सामने कौन है अपोजिट टू डी डी के सामने सी है बी इनमें से कौन सा ऐसा कर्व बनाते समय आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही पड़ती है तो बार डायग्राम में कोई जरूरी नहीं है हिस्टोग्राम में कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व है सी की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन ओ जाइव में आपको सी एफ निकालना ही पड़ता है ए इसके बाद ये उनचास नंबर में आप न्यूमेरिकल देख लीजिए एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ़ टी वीज गिवेन है कितने कितने टी वी प्रोड्यूस हुए अलग अलग सालों में दो हज़ार ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह में परसेंटेज इंक्रीज़ आपको बताना है दो हज़ार पंद्रह में दो हज़ार बारह के कम्पेरिजन में तो दो हज़ार पंद्रह में है नब्बे बारह में थे आपके पास पैंसठ कितने का इंक्रीज हुआ पैंसठ नब्बे के बीच में पच्चीस का कितने पे बारह से कंपेयर कर रहे हैं सठ पे फाइव फाइव ज फाइव थर्टीन जाइ इन टू हंड्रेड पांच सौ बटे तेरह थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन तेरह अट्ठे अड़तीस पॉइंट समथिंग डी इसके बाद पचास नंबर है एनिलॉगी जिस तरीके से कार का संबंध गैरेज के साथ है तो एरोप्लेन का किसके साथ होगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार को गैरेज में रखा जाता है तो एरोप्लेन को कहाँ रखा जाता है हैंगर में हंगार में डी उसके बाद पचास नंबर में आप देखिए द सम ऑफ डेविएशन डेविएशन का मतलब है क्या पहले वो समझिए मान लीजिए ऑब्जर्वेशन आपके पास एक्स वन है तो डेविएशन किसी चीज़ की होती है मतलब उस चीज़ को पुरानी चीज़ में से लेस किया जाता है मेजर्ड फ्रॉम फिफ्टी यानी एक्स वन माइनस पचास फिर एक्स टू माइनस पचास फिर एक्स थ्री माइनस पचास ऐसे करते करते आपको जाना है एक्स एन क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है माइनस पचास इन सबको जोड़ देना है ठीक और ये रिजल्ट आपके सामने आएगा माइनस टेन जब इन सबको जोड़िएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन ये एक साथ आएगा और पचास कितनी बार है आपके पास ये बताइए एक दो तीन अप टू एन तो पचास एन बार है इसका मतलब फिफ्टीन टू एन प्लस फिफ्टी एन ये भी तो है दिस इज माइनस टेन यानि कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स एन ये आपके पास हो गया माइनस टेन माइनस फिफ्टी एन ये रिजल्ट हमको ध्यान रखना है अभी इसके बाद एंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम छियालीस अगर हम पचास माइनस ना करके छियालीस माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसी तरीके से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन प्लस छियालीस एन लेकिन ये माइनस होगा सॉरी इधर क्योंकि हर बार माइनस है तो ये बनेगा फिफ्टी एन माइनस दस इसी तरीके ये भी माइनस ये आपके पास रिजल्ट कितना है सत्तर अब इस चीज़ की वैल्यू ऊपर कितनी निकाली है पचास एन माइनस दस माइनस छियालीस एन ये सत्तर हो गया इधर सत्तर दस अस्सी हो गया इधर हो गया पचास माइनस छियालीस चार फोर एन बराबर एट्टी तो एन बराबर हो गया ट्वेंटी बीस चौके अस्सी नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन यानी कि एन बीस बी नेक्स्ट देखिए बावन है मिसिंग नंबर आपका एक एक ऐसे रिपीटेड है पाँच पाँच ऐसे रिपीटेड है उसके बाद यह ऐसे क्या रिपीटेड होगा एट बी इतनी देर का था उसके बाद तिरपन नंबर है आसान सी नंबर सीरीज़ 125 से 105 मतलब 20 कम कर दिया 105 से 80 25 कम कर दिया फिर 30 कम कर दिया फिर 30 कम कर दिया ये नहीं होना चाहिए 20 हमारा राउंड नंबर है जो कि हमसे पूछा है बी नेक्स्ट देखते हैं पचपन नंबर तीन ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन अठारह है ये कैसे निकलता है तीन बटे वन बाई बारह प्लस वन बाई अठारह तीसरा बताना है जो कि एक्स मान लिया तो तीन बटे में ये सिक्स टाइम्स कट गया थ्री सिक्स जहाँ तो वन बाई वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई एटीन प्लस वन बाई एक्स ये सिक्स है तो वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई एटीन प्लस वन बाई एक्स ये क्या होगा, वन बाई सिक्स होगा। अगर हम इसको यहां ले आए वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाई एटीन माइनस वन बाय सिक्स ये माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा बारह अठारह 6 का एलसीएम हो गया छत्तीस 3 अठारह दूनी छ छिंग माइनस वन बाई थर्टी सिक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स एक्स आ गया छत्तीस ऑप्शन नंबर ए इसमें आपको सही साइन लगाना है और मिसिंग फिगर बताना है अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ये सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे ए के हिसाब से इन टू प्लस आठ दूनी सोलह इक्कीस खत्म यहीं पे क्योंकि जब पहला ही मैच नहीं हुआ तो आगे क्या करें फिर उसके बाद दूसरा प्लस डिवाइड बाई आठ दूनी सोलह बटे पाँच इंटीजर आएगा ही नहीं दूसरा भी गया उसके बाद देखिए ये डिवाइड बाई टू चार पंजे बीस अभी इस पर भरोसा किया जा सकता है फिर इसके बाद डिवाइड बाई टू अगेन तीन छिंग अठारह डिवाइड बाई इंटू, इंटू छः चौक चौबीस वही दिया भी हुआ है सी अभी ये अट्ठावन नंबर है नंबर सीरीज से दो तीन छः पंद्रह पैंतालीस मतलब इन टू करना है कुछ ना कुछ दो से तीन कैसे बना डेढ़ का गुणा करके तीन से छः डबल छः से पंद्रह ढाई का गुणा करके फिर पंद्रह से पैंतालीस तीन का गुणा करके तो आपकी किसका करेंगे साढ़े तीन का सात बटे दो दो सौ अस्सी और पैंतीस तीन सौ पाँच का आधा सॉरी तीन सौ पंद्रह का आधा एक सौ सत्तावन पॉइंट फाइव ए अर्थमेटिक मीन दिया है पांच ऑब्जर्वेशन का तो मान लीजिए ए बी सी डी ई ये पांच हैं तो मीन अगर अठारह है तो सम होगा पांच गुना नब्बे एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन यानी सी प्लस डी प्लस ई मीन सोलह है तो सम होगा अड़तालीस अर्थमेटिक मीन बताना है फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन का इसको लेस कर देंगे सी डी ई सी डी ई कट जाएगा नब्बे में से अड़तालीस गया तो बयालीस सम बयालीस है तो मीन होगा आधा इक्कीस सी उसके बाद चौंसठ नंबर देखिए स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से इंपॉर्टेंट चैप्टर है दो स्टेटमेंट आपके सामने है शुड चिल्ड्रेन बी लीगली मेड रिस्पांसिबल टू टेक केयर ऑफ दी पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज जिनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे खुद भी अधेड़ हो जाते हैं तो उन बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को संभालें उनका ख्याल रखें और ये चीज़ लीगल बाइंडिंग हो जानी चाहिए जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ प्रावधान होंगे सख्ती होगी ऐसा होना चाहिए क्या आर्ग्यूमेंट है हाँ ऐसा होना चाहिए सच मैटर कैन ओनली बी सोल्व बाई लीगल मीन्स सिर्फ लीगल तरीके से ये सारे मैटर सुलझ सकते हैं क्या ऐसा नहीं है वैसे भी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में जहाँ भी ओनली की वर्ड आए उस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर कर देना चाहिए ये गलत हो गया दूसरा है कि हाँ ओनली दिस विल ब्रिंग सम रिलीफ टू पुअर पेरेंट्स गरीब पेरेंट्स को सिर्फ इसी से राहत मिल सकती है अगेन सिर्फ की वर्ड आ गया इसको हटा देंगे तो कोई भी यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है ना पहला ना दूसरा ना इधर वन और टू इज स्ट्रांग डी इसके बाद 69 देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस मदर इज़ एट टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर एंड दी फादर इज़ टेन टाइम्स एज ओल्ड एज दी डॉटर तीन लोग हैं मदर फादर और डॉटर डॉटर की अगर एज एक्स है तो पिता की दस गुनी है टेन एक्स और मम्मी की उसकी आठ गुनी है यह प्रेजेंट एज की बात हमने कर ली डिफरेंस ऑफ एज ओ, एज ऑफ मदर एंड फादर इन दोनों के बीच का डिफरेंस टेन एक्स और एट एक्स का टू एक्स ये सिक्स है तो एक्स तीन है डॉटर की एज एक्स ही है यानी तीन है बी नेक्स्ट हम देखेंगे इकहत्तर नंबर और इकहत्तर नंबर में है वीन डायग्राम ए रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को बी एडवोकेट को और सी कर रहा है टीचर्स को अब ये जो मार्क एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें एक भी इंजीनियर शामिल नहीं है मतलब ए इंजीनियर है नहीं बाकी टीचर और एडवोकेट दोनों शामिल हैं तो टीचर एडवोकेट है इंजीनियर नहीं है तो दी एडवोकेट हुआ टीचर बट नॉट इंजीनियर डी इसके बाद अगला देखिए ईयर वाइज प्रोडक्शन आपको दिखाना है राइस का वीट का मेज का अगले दस साल के लिए तो क्या करेंगे फिर सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट क्योंकि एक कॉलम चार्ट आपको राइस का चाहिए दूसरा वीट का तीसरा मेज का इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा सब डिवाइडेड कॉलम चार्ट बी उसके बाद अगला सवाल जो भी स्टैटिस्टिक्स रीजनिंग या फिर गणित का मिलेगा उसको हम करेंगे अब ये देखिए सेवेंटी नाइन नंबर रैंकिंग का सवाल है तीन पर्सन है ए और बी एक लाइन में लगे हुए हैं ए और बी के बीच में पांच लोग हैं एक दो तीन चार पांच बी और सी के बीच में आठ लोग हैं अब सी को पीछे रखें कि आगे अभी हमको ये नहीं पता इन्होंने बोला है थ्री पर्सन सैड ऑफ सी यानी सी के बाद तीन ही आने चाहिए तो सी को पीछे रख सकते हैं सिंपल है बी और सी के बीच में कितने हैं आठ हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये हो गया सी सी के पहले कितने हैं? तीन वन टू थ्री <coughs> सी के आगे मतलब तो सी के आगे तो ये ढेर लगा हुआ है पूरा तो ये ट्रिक हमारी फेल हो गई दूसरी देखते हैं ए बी एक दो तीन चार पाँच इसमें कोई डाउट नहीं है बी और सी के बीच में आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये सी हो गया सी के आगे तीन ए के पहले इक्कीस तो ये इक्कीस और ये पूरा ढेर अलग तो इतने मिनिमम लोग इस लाइन में लग सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और इक्कीस चालीस सी अब ये जो अस्सी नंबर क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से है काफ़ी अजीब क्वेश्चन सब जगह प्राइम प्राइम नंबर हैं इधर ये कंपोजिट आ गया तो क्या फिल किया गया यहाँ तीन पाँच सात है यहाँ रा पहले ही आ चुका है सत्रह भी यूज कर लिया इकतीस भी यूज कर लिया इक्कीस प्राइम है नहीं सत्रह यूज कर लिया उसके बाद अगला कौन सा आता है उन्नीस ये मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थर्ड सेंट्रल मूवमेंट नेगेटिव होती है पीछे जाएंगे तो नेगेटिव आगे जाएंगे तो पॉजिटिव बीच में रहेगा तो जीरो इसके बाद देखिए चौरासी नंबर में एवरेज का सवाल पांच कन्जर्कटिव वार्ड नंबर पैंतालीस है इनका एवरेज तो कन्जर्केट वार्ड इनका एवरेज कहाँ लाई करेगा बीच में पैंतालीस और चूंकि ऑर्ड हैं तिरालीस इकतालीस सैंतालीस उनचास ये सारे नंबर डिसाइड हो गए हमारे बी और सी तिरालीस इंटू पैंतालीस ये करना है बीस बारह बत्तीस इकैतीस उन्नीस सौ पैंतीस एक और देखिए एवरेज का सवाल मीन एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वीमेन इस चालीस मतलब मेन वीमेन मिला के चालीस हैं मेन की पैंतालीस है तीस तो ये देखिए मेन वीमेन ये एवरेज एवरेज चालीस है मेन पैंतालीस है वेमेन तीस है एलिगेशन के लिए इनके इनके डिफरेंस को यहां लिखेंगे ये डिफरेंस आएगा इधर टू इज टू वन यानी जितनी भी औरतें हैं आदमी उनके डबल है मैन टू वीमेन वन तो नंबर ऑफ मैन इम्प्लॉयज इन दी कंपनी इज टाइम्स दैट ऑफ ए इसके बाद सत्तासी नंबर आप देखिए पाई चार्ट गिवन है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट हैं चौदह सौ चालीस चार कैंडिडेट हैं ए बी सी और डी वैलिड वोट बताने हैं फेवर ऑफ द कैंडिडेट में मैक्सिमम तो मैक्सिमम 130 डिग्री के, के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा भाई 360 डिग्री ये टोटल है ये किसके करेस्पोंडिंग है 1440 तो 130 डिग्री का मतलब क्या होगा 1440 सो चालीस इंटू बटे यही तो होगा छत्तीस चौके यानी 520 बी इक्यानवे में बताइए ऑड बन आउट तीन चार पच छः बढ़ते हुए क्रम में पाँच छः सात आठ बढ़ते हुए क्रम में चार पाँच छः सात ये भी बढ़ते हुए क्रम में लेकिन पाँच चार कम हो गया ना तो बस आउट वन आउट उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन तिरानवे नंबर एक्स इज दी हस्बैंड ऑफ वाई पत्नी का ही पति होगा इस वजह से वाई फीमेल हो गया W इज द डॉटर ऑफ X X यानी एक्स वाई दोनों की जो बेटी होगी वो W होगी Z is the husband of W. W के पति का नाम Z है N is the daughter of Z. इन दोनों की बेटी का नाम N है N to Y. तो Y कौन है तो Y फीमेल है और इसकी बेटी W है उसकी भी बेटी N है तो बेटी की बेटी मतलब आप हो गई नानी मैटरनल ग्रैंड मदर और वो कौन हो गई नातिन मैटरनल ग्रैंड डॉटर डी एक पाई चार्ट है चार कंपनी के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रॉफिट एक हज़ार अस्सी लाख है और पी कंपनी का एंगल सैंतालीस है तो बताइए पी का प्रॉफिट तो टोटल एंगल तीन सौ साठ ये एक हज़ार अस्सी लाख के बराबर है तो सैंतालीस डिग्री किसके बराबर होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वन जीरो एट जीरो इन टू फोर्टी सेवन बाई थ्री सिक्सटी जीरो से जीरो छत्तीस ति सैंतालीस ति एक सौ इकतालीस ऑप्शन नंबर सी इसके बाद अट्ठानवे नंबर आप देखिए पी क्यू आर टी चार लोग हैं क्यू इज यंगर देन ओनली एस एंड आर इज ओल्डर देन टी आर टी से बड़ा है और क्यू किससे छोटा है सिर्फ एस से तो चूंकि क्यू सिर्फ एस से छोटा है इसीलिए इन दोनों से तो बड़ा ही होगा एस क्यू से बड़ा है लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एस आर ओ टी से बड़ा है कि नहीं तो अगर हमसे ओल्डेस्ट पूछे तो हम बता नहीं पाएंगे डेटा इन एडिक्वेट डी अब उसके बाद डाइस का सवाल तीन के अपोजिट क्या आएगा एलिमिनेशन से कर लीजिए ये देखिए एक और पाँच साथ में आ रहे हैं ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे दो और छः साथ में आ रहे हैं ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे चार आ जाएगा डी कोई ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से पाई चार्ट का है टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है कंपनी का एक पर्टिकुलर मंथ के लिए साठ हज़ार लेकिन चूंकि परसेंटेज में पूछ रहे हैं इसलिए हो सकता है कि हमें इस डेटा की जरूरत पड़े ही ना वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑन रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल को किससे दिखा रहे हैं फर्स्ट से नब्बे टोटल तो ये हमेशा तीन सौ साठ एक बटे चार पच्चीस परसेंट इतनी देर का था डी ब्लड रिलेशन का एक सौ तीन नंबर राजन इज द ब्रदर ऑफ सचिन राजन और सचिन भाई भाई मानक इज द फादर ऑफ राजन इन दोनों के पिता का नाम क्या है मानक जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज द डॉटर ऑफ सचिन सचिन की बेटी है प्रिया प्रिया का भाई है जगत जगत के अंकल का नाम पूछा है तो जगत के पापा सचिन है उनके भाई हैं राजन तो अंकल कौन हो गए राजन ए एक सौ एक सौ बारह नंबर में अगेन आपके पास पाई चार्ट का सवाल है 500 सौ स्टूडेंट हैं क्लास वन टू फाइव अब उसमें तीन डेटा गिवन है वन टू थ्री और फिफ्थ क्लास में एक्स दिया है फोर्थ क्लास में वाई दिया है द रेशियो ऑफ परसेंटेज और वैसे ही पूरा डेटा परसेंटेज में है वाई बाई एक्स इज वन पॉइंट फाइव इसे हम पंद्रह बटे दस बोल सकते हैं तो वाई हम पंद्रह दे सकते हैं इसे हम दस दे सकते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री इन क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ ये सब मिला के पहली बात तो सौ होना चाहिए ठीक तीस बीस पचास पच्चीस पचहत्तर पंद्रह नब्बे और दस सौ तो बस वाई पंद्रह है एक्स दस है ख़त्म काम तो सबसे पहले क्लास फोर्थ पंद्रह डिग्री कितना होता है हंड्रेड परसेंट होता है तीन सौ साठ तो पंद्रह परसेंट कितना होता है फिफ्टीन इंटू थ्री सिक्सटी बाई हंड्रेड चौवन चौवन शुरुआत में एक ही ऑप्शन में डी में इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे फिफ्थ के लिए आप आराम से छत्तीस निकाल सकते हैं नेक्स्ट देखिए एक सौ सत्रह नंबर तीन सब्जेक्ट है साइंस इंग्लिश और मैथ्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक सौ नब्बे दो सौ नब्बे दो सौ चालीस पाई डायग्राम में अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए एंगल कितना होगा टोटल के लिए एंगल 360 होगा और टोटल कितना होगा ये पूरा ये 300 200 500 480, और 240 720 360 बराबर 720 एक डिग्री बराबर दो इंग्लिश कितना है साइंस इंग्लिश मैथ्स 290 तो 290 उधर से आधा करना है 145 ए एक सौ बाईस नंबर में एक आदमी चौदह किलोमीटर यहां से सीधे नॉर्थ जाता है राइट मारता है ऐसे छ जाता है फिर से राइट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है मतलब यहां से लेकर यहां तक यह आधा हो जाएगा तीन वैसे यहाँ पर एक करेक्शन है जब ये सबसे पहले ऐसे चौदह गया था फिर राइट मारा था ऐसे गया था उसके बाद यहां से राइट आपका ऐसे नीचे पड़ेगा ये छे। तो ये डिस्टेंस बचा हुआ कितना हो गया आठ ये डिस्टेंस बताना है ये भी छ होगा लाइन पैरल आठ ये नाइन्टी तो ये दस क्योंकि ये जो चार है ये सॉरी ये जो आठ है ये चार का डबल है ये तीन का डबल है तो इधर पाँच का डबल होगा दस क्योंकि तीन चार पाँच ट्रिपलेट होता है आंसर हो जाएगा ए फिर 120 नंबर है। सेट कंसिस्ट ऑफ टेन ऑब्जर्वेशन। दस नंबर है किसी सेट में मीन ऑफ दिस टेन ऑब्जर्वेशन इज थ्री टाइम्स इट्स वेरियंस दस ऑब्जर्वेशन का सम डेढ़ सौ है तो मीन होगा पंद्रह और यही जो पंद्रह है ये वेरिएंस का तीन गुना है तो वेरियंस डिवाइड बाई तीन होगा वेरियंट होगा पांच अब बताना है सम ऑफ स्क्वायर तो वेरियंस क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर माइनस मीन उसके बाद 120 नंबर में हम ये डायरेक्टली काम कर सकते हैं हमको ये पता है कि वेरिएंस हमारे केस में आया है पांच तो पांच का स्क्वायर ये 25 हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बटे एन होल डिवाइड बाय एन माइनस वन ये यूज़ कर सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर में बतानी होगी और ये जो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है सिग्मा एक्स मतलब सम 150 सौ पचास इंटू एक मीन निकालने की जरूरत ही नहीं थी एन दस डिवाइड बाई दस में एक गया नौ तो ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन टू ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इंटू वन फिफ्टी दो सौ पच्चीस और एक जीरो बाईस सौ पचास और दो सौ पच्चीस आंसर इसमें चौबीस सौ के ऊपर आ रहा है जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एक सौ छब्बीस नंबर एवरेज का सवाल है एक स्टूडेंट है उसको एक नंबर लेना था मल्टीप्लाई करना था दो से और तीन जोड़ना था अगर एक्स वो नंबर है तो उसको टू एक्स करना था तीन जोड़ना था ये रिजल्ट है उसने किया क्या तीन जोड़ दिया पहले एक्स प्लस थ्री कर दिया देन टू किया तो टू एक्स प्लस सिक्स आ गया आंसर उसको मिला बीस एक्स आ गया सात करेक्ट आंसर क्या है सात दो चौदह तीन सत्रह परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम बी ये चीज निकालनी है पाई चार्ट हम लोग को गिवेन है तो 360 डिग्री का मतलब होता है 100 परसेंट निन्यानवे डिग्री बी के लिए पूछा है कितने परसेंट यह हो जाएगा 100 इंटू नाइन्टी नाइन बाई थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री थर्टी थ्री ज़ा थ्री टू ज़ा थ्री इलेवन ज़ा पचपन बटे दो ए अब इस टेबल में दिए गए डेटा को ध्यान से करें इसमें ऐसे स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है जो बीस से ऊपर नंबर लाए हैं लेकिन पचास से कम या तो उसके बराबर लाए हैं तो बीस से ऊपर पचास से कम ये पूरी चीज़ नौ पाँच चौदह चार अट्ठारह तो टोटल कितने हैं अठारह छः चौबीस तीन सत्ताईस तीन तीस तीस पे अट्ठारह मतलब साठ परसेंट सीधे सीधे सी 133 में दिए गए डेटा को अगर हम पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो एंगल आपको एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में कितना मिलेगा इसमें वैसे 10, 5, 15, 3, 18, 2 20 5 पच्चीस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी 25 दिया था 360 डिग्री का मतलब है पच्चीस हजार तीन हजार का मतलब कितने डिग्री ये निकाल लेंगे पच्चीस हजार इंटू सॉरी तीन हजार इंटू तीन सौ साठ डिवाइड बाई पच्चीस हजार पांच से काटेंगे पांच बार में जाएगा सेवनजा बहत्तर बहत्तर इंटू तीन बटे पांच तिरालीस पॉइंट दो डी